हालीसहर पौरसभा के पौर पार्षद अशोक यादव ने पहले चरण में जिस तरह से राशन वगैरह बांटकर लोगों की मदद करने की कोशिश तो की थी, पर मील इलाका होने और मीलों द्वारा सरकारी निर्देश को अमान्य करके कर्मचारियों का शोषण करने से चिंतित अशोक यादव ने लॉकडाउन चलने तक अपने इलाके में एक वक्त का भोजन कराने का बीड़ा उठा रहे हैं। इससे इलाके में लगभग 500 लोगों को प्रतिदिन एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए हाजी नगर से हमारा रिपोर्ट। हम देख रहे हैं अली सर 18 नंबर वार्ड के और नेता अशोक यादव, उनके द्वारा आज से यानी 19 अप्रैल से लगातार सैकड़ों लोगों को यहाँ से भोजन का व्यवस्था किया गया। प्रतिदिन यहाँ पर खाने का व्यवस्था, जिन्हें आवश्यकता है जरूरतमंद लोगों के लिए यह व्यवस्था किया गया है। आइए हम बात करेंगे अशोक यादव से सीधे, क्या कहना चाहते हैं और क्या है उनके द्वारा किया गया है। और अपने माननीय सांसद श्री अर्जुन सिंह से बात किए और हमारे वीरपुर के विधायक श्री सुशांत सिंह से बात किए और हम अपने इलाका के कुछ लोगों से सलाह मशवरा कर करके हम ऐसा विचार किए कि आज से जितना दिन तक लॉकडाउन चलेगा 3 मई तक, हम लोग प्रतिदिन, कोई वार्ड का बंटवारा नहीं है, कोई जाति कोई पार्टी का बंटवारा नहीं, जिसे खाने की जरूरत हो वो सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक नाम लिखा जाएगा और 9 बजे के बाद हम उसका एस्टीमेट बना करके उस हिसाब से खाना बनाकर 12 बजे से खाना को वितरण करेंगे। हमारा अभी तक एस्टीमेट है 500 आदमी का, 300 आदमी के लिए। मेरे को लगता है कल 500 और ज्यादा भी होंगे, मैंने जिसे जरूरत हो वो यहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ जिस भाई बहन, जिस भाई को, जिस किसी लोग को जो जरूरत है भोजन के लिए, जो बेसंकोच मेरे पास सुबह आकर 8 बजे से 9 बजे के बीच में हमारे कार्यकर्ता के साथ नाम लिखाया जाए और उन्हें हम लोग खाना, किसी दिन अंडा भात, किसी दिन मछली भात, किसी दिन दाल सब्जी भात, इस तरह का हम व्यवस्था किए मेनू में चेंज करते रहेंगे। इसलिए कि लोग बोलेंगे कि मजबूरी में मेरा ऐसे खाना पड़ रहा है, इसलिए लोगों को ऐसा ना महसूस हो कि हमें रोज दाल भात ही खाना पड़ रहा है। तो मैं मछली का खूब व्यवसायी हूँ, मैं अपने तालाब में मछली खिलाऊंगा लोगों को और किसी दिन अंडा होगा, किसी दिन हो सकता है पोल्ट्री का मांस भी खिलाया जाए, इस तरह से लोगों को संतुष्ट किया जाएगा जितना सकेंगे। इसमें विधायक और हमारे संसद का भी सहयोग है, हमारे नगर वासियों का कुछ सहयोग है और मेरा भी सहयोग है, ये सभी लोगों के सहयोग से इस कार्य की है। यह कार्य बहुत बड़ा है, मैंने हम तो अभी अभी एक वक्त का ही खाना का प्रोग्राम किया सभी दोपहर का और हम लोग का एक शाखा है जो शाम को खाना मिला हमारे 18 वार्ड में अमित चौबे बोलकर हम लोग का एक कर्मी है। अगर कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें दोपहर के खाने के बाद शाम को जो व्यवस्था चाहिए, तो हमारे 18 वार्ड का मैं काउंसलर हूँ, इसलिए मैं उस वार्ड में भी शाम के लिए व्यवस्था कराया हूँ, वो चाहे तो वहाँ भी जाकर के शाम का भोजन ले सकते हैं। लोग भीड़ ना लगाए, दूरी बनाए रखे, इस बार की दिशा में क्या कर रहे हैं? मैं लॉकडाउन को तो 100% पालन कर रहा हूँ, इसीलिए आप देखिए यहाँ पर जितना भी अगर कोई लोग आए हैं तो हम लोग चूना से दाग दे दिए हैं 1 मीटर से ज्यादा का, क्योंकि लॉकडाउन डिस्टेंसिंग बनाकर रखना ही इस रोग का सबसे बड़ा छुटकारा, दूरत्व तो बनाकर रखना, आपस में किसी प्रकार का किसी का छटाव ना हो जाए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए हम लोग चूना का मार्किंग किए हैं और हमारे क्लब के लोग और हमारे बीजेपी कर्मी सब यहाँ पर खड़ा होकर लोगों को जहाँ तक जितना दूरी हो सके बनाकर हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि इससे किसी का किसके पास रोग है कोई बता नहीं सकता, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा भी एक योजना की घोषणा किया गया था गरीब कल्याण योजना, इसके तहत लोगों को एक बैंक खाता में 500 रुपए के जाने के बाद था, लोगों को अनाज मिलने के बाद था हर परिवार, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्या वास्तविक हो पा रहा है? जैसे वास्तविक तो सच्चाई है, पैसा तो बहुत लोगों के काम में रुक गया है और राशन की जो समस्या है आपके माध्यम से बोला जिसका पहले भी कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहती हैं कि 8 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। आप हर जिला में देखिए लोग खाने के लिए रास्ते पर इतने मजबूर हैं कि रास्ते पर सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, रास्ता अवरोध कर दिए हैं कि हमें खाना मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस बार पहले बोला था, आज भी बोलता हूँ कि
कम से कम जिनके पास राशन कार्ड नहीं है सरकार एक ऐसी व्यवस्था करे उनका राशन कार्ड बन जाए और उनको कम से कम इस दूर दिन में इस कोरोना का जो महामारी है इसमें कम से कम उनको एक मदद मिले राशन से। रिपोर्ट राशन का है, राशन दुकानों में राशन पूरा नहीं दिया जा रहा और उस राशन को पार्टी के तरफ से कुछ रूलिंग पार्टी वाले जैसे लेकर के वो अपने अपना अपना पार्टी के नाम पर दे रहे हैं, इस तरह का रिपोर्ट है मेरे पास। हम लोग सबसे तो मैं कल ही जाकर हमारे सांसद जी को रिपोर्ट किए, हमारे एमएलए साहब को रिपोर्ट किए, उनका कहना हम लोग देख रहे हैं कि जो ऐसे कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि किस लोग का महामारी है, ये हम लोग का लाइफ में पहला बार ऐसा देख रहे हैं जिसमें लोग परेशान है खाने की। हमें खुद देते हुए इतना आनंद नहीं होता कि जो लोग खाना लेते हैं बहुत कष्ट लगता है दिल में, ये माँ बहन बेचारी कभी घूंघट काट कर हम लोग के सामने खड़ा नहीं होती थी, लेकिन आज पेट का मजबूरी ऐसा किया है वो शर्म खोल करके हाथ खोल कर ले खाना ले रहे, इसीलिए मैं कुछ खाने को व्यवस्था यहाँ से जो ले रहे हैं, बाकी लोग जो शर्मा रहे हैं उनके घर तक मैं पहुँचाने की व्यवस्था किया हूँ। हमारे कर्मी हम खुद जाकर के लोगों घर घर तक खाना जा रहे हैं और जो ऐसे कर रहे हैं भ्रष्टाचार चोरी उन्हें अपने खुद विचार करना चाहिए कि जो समय आएगा उस समय किए किए, लेकिन अभी एक महामारी है विश्व महामारी WHO घोषणा कर चुका है। मेरा आज 53 साल का उम्र में कभी ऐसा नहीं सुना था ना देखा था। केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो हर किसी की यही मंशा होनी चाहिए कि हर कोई कम से कम 2 वक्त का भोजन पाने का अधिकारी हो। जरूर ऐसी कोशिशें ऐसी पहल की जा रही है, इसके बावजूद देखा जा रहा है काफी ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का भोजन सही से नहीं जुगाड़ कर पा रहे और ऐसे लोगों के पास ऐसे लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं इस तरह के समाज से और इसी नजारा को हम देख पा रहे हैं हरिसर के इसके भट्टा रूम में हरिसर के हाजी नगर जहाँ के लॉकडाउन चलने तक या तो 3 मई तक हर जरूरतमंद लोगों को एक सीमित संख्या के अंदर भोजन की व्यवस्था दी गई है जहाँ कम से कम 1 वक्त का भोजन मुहैया कराया जा रहा है और इस व्यवस्था को लाने वाले हैं इस इलाके में अशोक वाले सभी सदर लाइन ऐसे सभी समाजसेवियों का सभी समाजकर्मियों का दिल से धन्यवाद। अपनी अपनी ओर से कोशिश करें उन्हें कम से कम 1 या 2 वक्त का भोजन को मुहैया कराने का और नहीं तो ऐसे सामाजिक संगठन के पास भेजिए जहाँ इनके लिए खाने की भरपूर व्यवस्था। हाजी नगर से शुभम प्रसाद में राजीव गुप्ता देखते रहिए। कोरोना से बचने के लिए उपाय करें कि मास्क पहने, भीड़ से बचे, बार बार हाथों को